हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, तो दोस्तों जब भी हम किसी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या विजुअल में आता है दोस्तों, वो है उसका कलर। जी हाँ दोस्तों, ये कलर्स जो होते हैं जो प्रिंटेड ऑब्जेक्ट पर होते हैं, ये प्रोडक्ट के साथ लॉन्ग लास्ट जाते हैं। तो ये दोस्तों कलर्स आते कहाँ से? इन कलर्स के लिए हमें चाहिए होती है प्रिंटिंग इंक्स। तो दोस्तों आज का एपिसोड हमारा प्रिंटिंग इंक्स पर है, तो बात करेंगे प्रिंटिंग इंक्स के बारे में, ये कैसे बनती हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंटिंग इंक किन चीजों से मिलकर बनती है, यानी कि इनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो इन्हें मिलाकर एक इंक बनाते हैं। तो दोस्तों जो इंक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। पहला होता है पिगमेंट, दूसरा होता है व्हीकल और तीसरा होता है एडिटिव या मॉडिफायर्स। तो ये तीन तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर आपस में अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिलकर अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए इंक बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, जो कि है पिगमेंट। आखिर पिगमेंट होता क्या है? तो दोस्तों जो भी इंक में कलर्स आपको मिलते हैं वो पिगमेंट की वजह से मिलते हैं। पिगमेंट बेसिकली पाउडर फॉर्म में कलर्स होते हैं जो कि आपकी इंक को कलर देने का काम करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और ग्रीन, ब्लू, रेड, ये अलग अलग कलर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग व्हीकल या मॉडिफायर्स, एडिटिव्स के साथ मिलाकर इंक में बनाया जाता है। तो बेसिकली जो पिगमेंट की रेशियो है वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस के हिसाब से चेंज की जाती है। जैसे कि डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस यानी कि लेटर प्रेस, ग्रेव्योर और आपका फ्लेक्सोग्राफी हो गया, तो ये सब जो डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है इनमें पिगमेंट की डिग्री बहुत कम रखी जाती है इन कंपेरिजन टू इनडायरेक्ट प्रिंटिंग में, यानी कि ऑफसेट में। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में बहुत कम ही आपका जो पिगमेंट है या जो इंक है वो आपके सबसेट तक पहुंच पाती है। लेकिन वो ऐसा किस लिए हो पाता है? क्योंकि जब भी आप देखेंगे इनडायरेक्ट प्रिंटिंग में, ऑफसेट प्रिंटिंग में, तो जब इंक फाउंटेन से निकलकर रोलर्स के थ्रू होती हुई प्लेट सिलेंडर से होके, ब्लेंडेड सिलेंडर से होके और सबसेट पर आती है, तब तक बहुत सारी इंक आपकी रोलर्स और इमेज कैरियर जो कि आपका प्लेट हो गया, प्लेट सिलेंडर हो गया और ब्लेंडेड सिलेंडर हो गया, वहां पर रह जाती है और वहां से स्प्लिट होकर आपके सबसेट पर आती है। तो आधी से भी कम इंक आपके सबसेट पर ट्रांसफर होती है, इसलिए वहां पर जो आपका पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा ज्यादा डाला जाता है आपके इंक में, उसका प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहीं बात करें कि डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में जैसे कि लेटर प्रेस, ग्रेव्योर, फ्लेक्सोग्राफी, तो वहां पिगमेंट क्योंकि डायरेक्टली आपके इमेज कैरियर से सीधा पेपर पर प्रिंट होता है, इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटी है पिगमेंट की वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वहां पर जो पिगमेंट का प्रपोर्शन है वो इन कंपेरिजन टू इनडायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस कम रखा जाता है। तो ये तो हुई हमारे पिगमेंट की बात। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मेन कंपोनेंट की, जो कि है व्हीकल। दोस्तों व्हीकल बिल्कुल गाड़ी की तरह काम करता है हमारे पिगमेंट के साथ इंक को बनाने में। जैसे हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसी साधन की जरूरत होती है, किसी व्हीकल की जरूरत होती है, उसी तरीके से पिगमेंट को इंक के साथ बनकर प्रिंटिंग तक जाने के लिए जो अपने साथ बाइंड करके रखता है वो होता है व्हीकल। यानी कि पिगमेंट व्हीकल के थ्रू आपकी प्रिंटिंग इंक में मिक्स होता है, साथ ही फिर आपको प्रिंटिंग के दौरान जो पिगमेंट है वो व्हीकल की मदद से ही सबसेट तक पहुंच पाता है। तो इसमें होता क्या है कि व्हीकल जो होता है वो एक लिक्विड टैकी फॉर्म में होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं शहद की फॉर्म में होता है। बेसिकली ये शहद नहीं होता लेकिन शहद के तरीके से चिकनाहट, जो टैकीनेस उसमें होती है, चिपचिपापन और जो इसकी जो विस्कोसिटी है वो पिगमेंट को बाइंड करने में मदद करती है। जब आपका पिगमेंट व्हीकल के साथ मिलता है तब जाकर पिगमेंट उसके साथ बाइंड होता है, साथ ही उस जो आपका व्हीकल है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है उसको वो कलर प्रोवाइड कराता है। तो पिगमेंट की मदद से आपका जो व्हीकल है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वो कलरफुल होता है और कलरफुल होने के साथ साथ ही आपको हेल्प करता है आपके पिगमेंट को बाइंड करने में। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा मेन कंपोनेंट व्हीकल। व्हीकल पेट्रोलियम और नेचुरल ऑयल्स, साथ ही वाटर और सॉल्वेंट बेस होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल यूज किए जाते हैं आपकी प्रिंटिंग इंक्स में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाउडर जो आपका पिगमेंट पाउडर है वो आपके व्हीकल के साथ मिलकर किस तरीके से मिलाया जाता है और साथ ही उसका कैसे पेस्ट बनाया जाता है ताकि आपका जो पिगमेंट है वो बाइंड हो सके व्हीकल के साथ।
तो ये तो हुआ हमारा दूसरा कंपोनेंट। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा आपकी इंक की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका नाम है एडिटिव्स या मॉडिफायर्स। तो इनके नाम में ही है कि एडिटिव्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इंक के साथ ऐड करने के लिए अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। और मॉडिफायर का मतलब है कि इंक की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मॉडिफिकेशन करना या मॉडिफाई करना। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि एडिटिव या मॉडिफायर्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंडर। दोस्तों एक्सटेंडर जो होता है वो इंक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये कई तरीके के एक्सटेंडर्स होते हैं जो पिगमेंट के बेस को बढ़ाते हैं, यानी कि प्रिंटिंग इंक की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक्सटेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होते हैं वैक्सेस। वैक्सेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी प्रिंटिंग इंक्स में। जब भी प्रिंटिंग इंक्स इंक फाउंटेन्स में चलती है, यानी कि रोलर्स के बीच में जब चलती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है जो कि रोलर्स के बीच में होता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको इंक के अंदर वैक्सेस को मिलाना पड़ता है, तभी आपके जो रोलर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कम होता है। साथ ही जो फ्लो ऑफ इंक है यानी इंक का बहाव है वो एक स्मूथनेस हो पाता है, यानी कि स्मूथली इंक आपके इंक फाउंटेन से निकलकर रोलर से होती हुई प्लेट सिलेंडर से होके ब्लैंकेट से होकर आपके सबस्ट्रेट तक पहुंच पाती है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है वैक्सेस का। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वैक्सेस का यूज इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो आपके रोलर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इंक की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब ना करे। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा मॉडिफायर या एडिटिव। तीसरा इसमें मिलाते हैं एंटी स्किनिंग। एंटी स्किनिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इंक को सूखने से रोकना, जल्दी सूखने से रोकना, और साथ ही जो आपके इंक फाउंटेन में जब इंक रहती है, जो कि एयर के कांटेक्ट में रहती है, हीट के कांटेक्ट में रहती है, तो उसे वहां से सूखने से बचाना, ताकि इंक आपकी रोलर्स को मिलती रहे। तो ये हुआ काम हमारा एंटी स्किनिंग एजेंट्स का। तो ये हुआ तीसरे तरीके के एडिटिव। अब चौथा जो हमारे जो एडिटिव चाहिए होते हैं वो होता है ड्रायर, जो कि मस्ट है, क्योंकि किसी भी इंक को प्रिंट होने के बाद सूखना भी जरूरी होता है। तो ड्रायर जो होते हैं वो ड्रायर का काम बेसिकली इंक को सबस्ट्रेट पर जाने के बाद सुखाना होता है, जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि किसी प्रिंटिंग प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन की वजह से सूखता है, किसी में इवेपोरेशन की वजह से सूखता है, किसी में पेनिट्रेशन की वजह से सूखता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग सूखने की जो टेक्निक्स हैं उनके हिसाब से ड्रायर्स का इस्तेमाल होता है। ड्रायर्स के बाद में डिस्टिलेट्स एक और एडिटिव है, जिसकी मदद से जो इंक का फ्लो है विद इन मशीन रन और जो आपका इंक फाउंटेन से लेकर आपके सबस्ट्रेट तक पहुंचने में, डिस्टिलेट्स भी आपकी मदद करता है इंक का फ्लो सही करने में, क्योंकि उसके बिना आपकी इंक का फ्लो सही नहीं होता। और कई बार अगर इंक का फ्लो सही नहीं हो पाता तो आपका जो इंक का स्प्लिटिंग है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का स्प्लिट जो होता है, जैसे कि आपका इमेज कैरियर से आपका सबस्ट्रेट पर आना, या इमेज कैरियर से ब्लैंकेट सिलेंडर से और ब्लैंकेट सिलेंडर से सबस्ट्रेट पर, तो वो फ्लो गड़बड़ा सकता है अगर आपका जो डिस्टिलेट्स हैं वो अगर नहीं होते हैं इंक में। तो ये सभी जो एडिटिव्स हैं और व्हीकल हैं और जो पिगमेंट है, ये सभी मिलकर एक इंक को पूरा करते हैं, साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज करते हैं एज पर आपका प्रिंटिंग प्रोसेस क्या है। तो प्रिंटिंग प्रोसेस के हिसाब से इंक इन सभी चीजों के अलग अलग प्रोपोर्शन के साथ मिलती है, तभी एक इंक प्रॉपरली बन पाती है। तो अब बात करते हैं हम कि इंक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक की, वो है बॉडी, दूसरा होता है टेक, तीसरा विस्कोसिटी, चौथा लेंथ, पांचवा टिंटिंग स्ट्रेंथ और छठा परमानेंसी। तो ये छह तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंक की। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। बॉडी का सीधा सीधा मतलब होता है आपकी इंक की कंसिस्टेंसी क्या है। तो दोस्तों जब प्रेस रन में जब आप इंक फाउंटेन से इंक निकलकर और आपके सबस्ट्रेट तक पहुंचती है, तो उसके बीच में कई एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहरी प्रभाव होते हैं, यानी कि जैसे हीट हो गई, एयर हो गई या लाइट हो गई, तो कई सारी चीजों से बचते हुए आपकी इंक आपके सबस्ट्रेट पर प्रिंटिंग करती है। तो ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इनके प्रभाव होते हुए भी अगर आपकी इंक आपके कलर को कंसिस्टेंस तरीके से आपके सबस्ट्रेट पर प्रिंट करती है, तो इसका मतलब है कि वो इंक कंसिस्टेंट है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। तो उसी को हम बॉडी कहते हैं कि इंक की जो बॉडी है वो बहुत बढ़िया है या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। तो इंक की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है टेक। टेक का सीधा सीधा मतलब है स्टिकनेस ऑफ इंक, यानी कि इंक की चिपकने की क्षमता या बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या है। दोस्तों अगर जब आप बात करें कि प्रिंटिंग इंक फाउंटेन से निकलकर, रोलर से निकलकर, प्लेट सिलेंडर से होती हुई ब्लैंकेट सिलेंडर और ब्लैंकेट सिलेंडर से सबस्ट्रेट पर आती है, तो ये हर जगह से स्प्लिट होती है। स्प्लिट का मतलब अलग होना, यानी कि जब रोलर से इंक आपकी प्लेट सिलेंडर पर आती है
तो वो कुछ प्रोपोर्शन में प्लेट सिलेंडर पर स्प्लिट होती है आपके इंक रोलर से, और वहीं जब प्लेट सिलेंडर से ब्लैंकेट सिलेंडर पर जाती है तो वहां भी इसका स्प्लिट यानी अलग होती है, ये लेयर्स में अलग होती है कि आपकी जो प्लेट सिलेंडर की जो इंक है, जो उस पर इंक आई है, वो आपको ट्रांसफर करती है ब्लैंकेट पे, लेकिन पूरी इंक कभी भी ट्रांसफर नहीं होती ब्लैंकेट पे। उसी तरीके से ब्लैंकेट से सबसेट पर जब ट्रांसफर होता है इंक का, तब भी वहां एक लेयर जो होती है, एक फिल्म की तरीके से वो जो ब्लैंकेट सिलेंडर है वो आपके सबसेट पर एक फिल्म की लेयर को स्प्लिट करता है और एक प्रोपोर्शन में ही इंक को ट्रांसफर करता है। अगर इंक की टेकिनेस सही नहीं होती तो आप जो देखेंगे कि प्लेट सिलेंडर से ब्लैंकेट या ब्लैंकेट से सबसेट पर इंक प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपको जो प्रिंटिंग रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पुअर आएंगे। इसलिए टेकिनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए जब भी इंक बनाई जाती है तो ये मेजर किया जाता है कि इंक की टेकिनेस सबसेट के अकॉर्डिंग हो, प्रिंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो। तो अब बात करते हैं हम हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक की, जो की है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली गाढ़ापन होती है। जितनी ज्यादा गाढ़ी इंक होगी उतना ही जो फ्लो ऑफ इंक है वो धीरे होगा, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी इंक की उतना ही जल्दी फ्लो होगा इंक का रोलर्स में या मशीन में। तो आपकी जो इंक की विस्कोसिटी है वो आपके प्रिंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कि आपकी ऑफसेट की जैसे पेस्ट फॉर्म में होती है तो काफी टैकी होती है, लेटर प्रेस में है तो वहां काफी टैकी होती है, लेकिन अगर बात करें आपके ग्रेवियो और फ्लेक्सो में तो वहां इंक जो आपकी है वो बहुत ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कस नहीं होती। तो अगर बात करें हम कि ग्रेवियर और फ्लेक्सो की, तो वहां पर इंक लेस विस्कस होती है क्योंकि वहां पर उसका फ्लो बहुत जल्दी जल्दी उसे चाहिए होता है, तो वो आपके लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आती है, वहीं आपके ऑफसेट और लेटर प्रेस में पेस्ट फॉर्म में। तो ये विस्कोसिटी का जो यूज है वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस के हिसाब से इंक में किया जाता है। विस्कोसिटी को नापने के लिए, किसी भी इंक की विस्कोसिटी नापने के लिए आपको इंकोमीटर की जरूरत पड़ती है। इंकोमीटर ही डिवाइस है जो विस्कोसिटी बताता है कि किसी भी इंक की विस्कोसिटी पावर क्या है। तो अब बात करते हैं हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक की, जो कि है लेंथ। लेंथ का मतलब यहां है कि कितनी स्मूथली आपकी इंक का जो फ्लो है वो आपके रोलर्स में होता है, जिसकी मदद से जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कितने प्रॉपर आते हैं। इसलिए जो लेंथ है वो इंक की वो बहुत मैटर करती है, इसलिए इसे भी मेजर किया जाता है कि जो इंक की लेंथ है वो प्रॉपर रहे, ताकि आपके जॉब प्रिंटिंग के दौरान वो बहुत ही इजीली फ्लो करे आपके रोलर्स के बीच में। तो अब बात करते हैं हम पांचवी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक की, जो कि है टिंटिंग स्ट्रेंथ, जिसे हम कलरिंग पावर भी कहते हैं। कलरिंग पावर का मतलब है कि किसी भी कलर को जब व्हाइट के साथ मिलाया जाता है तो वो टिंट प्रोड्यूस करे। तो ये जो एबिलिटी है हमारी इंक की उसे हम टिंटिंग स्ट्रेंथ या कलरिंग पावर कहते हैं। जब भी आप देखेंगे किसी कलर को आप व्हाइट के साथ मिलाते हैं तो उसका जो कलर है वो टिंट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि लाइट कलर उसमें से, जितना ज्यादा आप व्हाइट कलर मिलाते हैं उतना ही ज्यादा लाइट टिंट उसका बनने लगता है। तो इसी पावर को कलरिंग पावर कहा जाता है, साथ ही टिंटिंग स्ट्रेंथ भी कहा जाता है उस कलर की। तो अब बात करते हैं हम छठी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है परमानेंसी। दोस्तों परमानेंसी ऑफ इंक बेसिकली फेडिंग के ऊपर है, कि आपके जो इंक है वो प्रिंटेड सबस्ट्रेट पर जब रहती है तो उस पर लाइट का, हीट का, एयर का, कई एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, तो उस समय आपकी जो इंक है वो फेड ना हो, या उसकी जो फेडिंग पावर है वो कितनी जल्दी या कितनी देर में जब फेड होती है उसको हम परमानेंसी कहते हैं। उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को सहते हुए इंक कितने समय तक आपके उसी कलर को बाइंड करके रखती है या होल्ड करके रखती है, उसे हम परमानेंसी ऑफ इंक कहते हैं। इसीलिए जो आपकी इंक है, जैसे कि आपके आउटडोर्स के लिए जब प्रिंट किए जाते हैं बैनर्स या फिर जो होर्डिंग्स प्रिंट किए जाते हैं, उनकी इंक की जो परमानेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली वो आउटडोर के लिए बनाए जाते हैं जिनमें हर समय आपकी जो लाइट का, जो सनलाइट का फर्क है वो हमेशा उस पर असर करता है। तो इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए, उस फीडिंग को रिड्यूस करने के लिए उसमें हम परमानेंसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी परमानेंसी पावर जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंक की। इसीलिए अलग अलग सबसेट्स के लिए या अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए इंक को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम प्रिंटिंग इंक्स कितने तरीके की होती हैं। तो दोस्तों प्रिंटिंग इंक जो है वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं, स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स और दूसरी स्पेशल इंक्स। स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स जो होती हैं उनमें प्रोसेस इंक्स, वेब फेड मशीन इंक्स, शीट फेड इंक्स, सोयाबीन पिगमेंट इंक्स, साथ ही और भी बहुत सारी हीट सेट इंक्स और बहुत सारी इंक्स आती हैं। लेकिन जो स्पेशल जो इंक्स होती हैं उनमें आपकी मेटेलिक, फ्लोरेसेंट एक्सेट्रा इंक्स होती हैं। तो ये इंक्स बहुत सारी होती हैं, इसके बारे में हम अपने अगले जो इंक के पार्ट बनाएंगे उसमें आपसे डिस्कस करेंगे कितने तरीके की इंक्स
और होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हर सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।